हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड, हैप्पी, हेल्दी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है फॉर व्हाट योर फ्यूचर हस्बैंड विल बी क्रेजी फॉर यू। आप किस चीज़ के लिए वो क्रेजी होंगे, पागल होंगे, राइट? एंड यू हैव टू चूज योर पार्ट माई लव्स। योर जोडियक साइंस आर हियर, दीज आर सन साइंस। And for pile one, we're having with the Virgo, Libra, Gemini, Cancer, Leo, Sagittarius. And for group two or pile two, we're having the Taurus, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio and Aries. सही? तो अपना पाइल चूज कर लें अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। योर टाइम स्टैम्प्स आर डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Hello, 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 love. How are you? Pile number one. जी, क्यों है क्रेजी आपके हस्बैंड आपके लिए, क्यों क्रेजी होंगे, किस चीज़ के लिए आपकी? थ्री ऑफ सोर्स रिवर्स, डेथ। सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर वन, आपकी हीलिंग एनर्जी। मतलब आपके अंदर वो कमाल है ना, वो गुण है आपके अंदर, वो हुनर है आपके हाथ के अंदर कि आप टूटे से फूटे दिल को भी जोड़ने की सलाहियत रखते हो। थ्री ऑफ सोर्स रिवर्स, ठीक है? मतलब वो रोने वाली, चाहे रोने वाली हो लेकिन आप उनको हंसा सकते हो। आपके अंदर वो चीज़ है कि जो अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ना भी ना रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वैसे तो ऐसा ना हो, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ना रहा, सब कुछ भी ज़िंदगी में एंड हो गया ना, तो भी ये लड़की अगर मेरे साथ रहेगी ना, तो मुझे ये कभी डीमोटिवेट नहीं करेगी, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखेगी और मेरी एक ना मेरी शक्ति बन के रहेगी, डेथ एनर्जी। ठीक है, मतलब आप कभी भी उनको ये ताना नहीं दोगे भाई फलां टाइम तो ये था, पहले तो शादी से पहले तो तुमने इतने वादे किए थे, अब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या हुआ। तानेबाज नहीं हुआ आप को, बहुत पसंद है आपके अंदर ये चीज़, पॉजिटिविटी। और किस चीज़ के लिए क्रेजी हैं? अगेन टेन ऑफ सोर्ड रिवर्स एंड मैजिशियन। गाइज, आपकी एक और एनर्जी के उनका वज़न ख़ुद भी ले लेना, या अगर वो स्ट्रेस आउट हैं तो उनको किस तरह से स्ट्रेस से बाहर निकालना है। आप तो मुझे प्रोफेशनल हीलर टाइप लग रहे हो पाइल वन, और मैजिशियन की तरह से ऐसे आप उनका दिमाग बदल देते हो कि उनको लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ही इज सो हैप्पी विद यू, ही विल बी सो ग्रेटफुल टू हैव यू। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ फैंस, घर को संभालना, एक पावरफुल इंसान की तरह अपनी जिम्मेदारियों को संभालना, यह आपकी एक अनदर चीज़ है जो कि उनको बहुत पसंद है। आप टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब चाहे फाइनेंसेस भी हों घर के, पैसा शैसा वो भी हो सकता है, या आप ही को बताएं, आप ही को दें कि इतना पैसा है, इतना संभालना है, इतना रखना है, इतना बांटना है, ठीक है, तो इतना खर्चना है, तो यू विल बी पावरफुल पर्सन, यू विल बी द होली सोली ओनर ऑफ दैट थिंग। किंग ऑफ फैंस इज ऑलवेज अबाउट पावर, इट्स ऑलवेज अबाउट टेकिंग लीड। तो हो सकता है कि उनको वो इतने अच्छे नहीं है मैनेजिंग द मनी, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये इंसान आपको कहेगा कि आप संभालो, और आप इतने अच्छे से संभालते हो, इतने अच्छे से आप मतलब करते हो कि इज़ लिटरली falling for you for this thing, ठीक है, तो एक तो ये एनर्जी है। इसके अलावा सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिंसेस का इस, बहुत ही ज़्यादा आपकी वाइज एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा विजडम निकल के आ रहा है पाइल नंबर टू वन का। गाइस, हो सकता है विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स ये पॉसिबिलिटी है कि गाइज, आई डोंट नो वाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, या ये इंसान बहुत टूटा हुआ है जब ये आपको मिलेगा, बिकॉज मुझे यहाँ अमेंडमेंट, सॉरी
मेंडिंग की वाइब है, किसी को रिपेयर करने की वाइब आ रही है। ठीक है, इंसान बहुत स्ट्रेस में था, आपको मिला है, बहुत टूटा फूटा था, तो आपको देखकर उसको थोड़ा हुआ है कि मतलब शी कैन हैंडल मी, शी इज़ द वन हु इज़ देयर फॉर मी, इस तरह की वाइब है यहाँ पाइल नंबर 1 की। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करने लगे हैं। और क्या पसंद है इनको आप में? चैरियट रिवर्स, किस चीज़ के पीछे ये मरते हैं आपके? सन रिवर्स। गाइस, एक तो आप यू आर अ वेरी गुड इन नाइट बेड, ठीक है, उनके साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ केमिस्ट्री इज रियली गोइंग टू रॉक द थिंग। दूसरी चीज़ मैं तो देख रही हूँ कि यू आपने उनको कभी इनसिक्योर फील नहीं करवाया। अक्सर लड़कियाँ लड़के ऐसे होते हैं जो दिन में 1000 दफ़ा एक ही ताना देते हैं कि मैं चली जाऊँगी, मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी, मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा, या ऐसे कुल्लू देते हैं, या और लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करते हैं, वो भी अल्टीमेट ये क्लू होता है कि मैं तू मेरे लिए कुछ नहीं हो। कभी भी आपके साथ वो इतने सिक्योर फील करेंगे कि लाइक यू आर नेवर लाइक दैट, कि आपने कभी उनको ये क्लू नहीं दिया कि तुम्हारे अलावा भी मेरी मुझे बहुत रिश्ते थे, तुम तो फजूल से मुझे टकर गए हो, तुम तो ये थे, तुम तो वो। यू आर रियली काफ़ी समझदार हो आप, या अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, समझदारी का कार्ड। भाई वन विद द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में आई कैन सी कि आप एक तो बोल्ड हो, ब्लंट हो, ठीक है। अब ठीक है, मैं बता रही हूँ कि वो समझदार हो ये वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल कैन टेक रॉन्ग एडवांटेज ऑफ योर यू नो गुडनेस, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, एक आपका ड्रॉबैक है जो उनको उनको अच्छा भी वैसे लगता है कि आप थोड़ा थक ज़्यादा जाते हो। तो आई कैन सी है कि इस इंसान, ये इंसान क्रेज़ी है। आई कैन सी टू मसाज यू, इसको पसंद है कि आपको आपके मसाज करे, आपको दर्द हो रहा है, यू आर टायर्ड, आपको आपकी बैक पे मसाज करे, आपको उल्टा लेटने को कहे, या आपके टांगों में दर्द है, टांगों को दबा भी सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं, तो ये इनकी फैंटेसी भी हो सकती है। बिकॉज दिस इज़ अ हैंड पैक्ड मैन, आई वोंट से लिटरली हैंड पैक्ड, बट एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, आप खुद ही इतने अच्छे हो, आप खुद ही ऐसे हो कि आप उनको कभी कोई ऐसा मौका देते हो ही नहीं हो कि जिसकी वजह से इनको ऐसा लगे कि इनकी वजह से उनको ऐसा लगे कि कुछ गलत है या कुछ सलत है, राइट? आप खुद ही नहीं मौका देते उनको। टेन ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं, आपके साथ पूरी फैमिली बनाना चाहते हैं, और आप बहुत होमली हो, आप ट्रेडिशनल हो, होमली हो, यू आर लाइक के बच्चे हो, फैमिली हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, जुड़ के रहें, ऐसी चीज़ें हैं इनको बहुत आप में अट्रैक्ट करती हैं। तो और क्या अट्रैक्ट करता है आप में? आप एक्सप्रेसिव हो, एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव, आप में ना ये चीज़ है कि यू वांट कि अगला बंदा एक्सप्रेसिव हो और मैं भी एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। आपको वो छुप छुपीता लव, चोरी छुपे प्यार करना किसी के पीठ पीछे, तो चलो ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है पीठ पीछे प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार सामने भी होना चाहिए, और आप जताते हो उनको ये सारी मोहब्बत। ही लिटरली लव्स दैट, ट्रू लव। यहाँ पर किस लवर हैं? ही कैन बी अ किस लवर, एंड हो सकता है आप खुद भी किस लवर हो, बिकॉज आई एम सीइंग हियर के यहाँ पर कपल इज़ किसिंग, एंड ये इंसान ऑब्सेस्ड होगा आपके लिप्स से। आई थिंक आपके लिप्स बहुत अल्यूरिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड सॉफ्ट होते हैं, हो सकते हैं प्लम्पी हो सकते हैं, वट एवर, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि इंसान खोया हुआ है आपकी लिप्स में, लिप किस में, फ्रेंच किस में। सो दिस इज़ अ थिंग कि जो हो सकता है कि इंसान काफ़ी हद तक आपके लिप्स में इन्वॉल्व हो, आपके फेस में जो लिप्स हैं ना वो उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपका ग्रेटफुल नेचर, ग्रैटिट्यूड शो करना डिवाइन को हर चीज़ में, नॉट ओनली डिवाइन को बल्कि इवन ये इनको भी, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा सा भी गिफ्ट के लेके आए ना आपके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग है,
चाहे आर्टिफिशियल ही है या गजरा है, फूल है, कुछ चॉकलेट है, आइसक्रीम है, इस तरह की भी चीज़ है ना, यू विल बी लाइक ओह आई वाज वेटिंग फॉर दैट, कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, कितना खूबसूरत है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ना वेलकमिंग हो, वेलकमिंग नेचर है आपकी। स्पेंडिंग द क्वालिटी टाइम टुगेदर, उनको बहुत पसंद है आपसे बातें करना, बैठना, आपसे बातें करना, समझना आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, राइट? तो ये भी चीज़ है। एक और चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आप में कि आप वक्त के साथ बदल जाते हो, गलत सेंस में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शादी से पहले इनके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे थे, इन्होंने आपको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके दिए हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में हालात बुरे होते हैं एंड ही इज़ अनएबल टू बाय यू एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, आप बदल जाओगे, यू विल बी लाइक नो इट्स ऑल राइट, पहले ठीक है मैं अगर 5,000 का जोड़ा लेती थी, अब मैं 1,000 का ले लेती हूँ, इट्स ऑल राइट, वक्त वक्त की बात है। तो वक्त के साथ साथ जिस तरह आप मोल्ड होते हो ना, दिस इज़ द थिंग विच इज़ रियली अट्रैक्टिव इन यू फॉर हिम, कोऑपरेशन, ठीक है ना? यू आर लिमिटलेस, कितनी तारीफें होंगी आपकी आज पाइल नंबर 1, कोई लिमिट ही नहीं है आपकी अच्छाई की उनकी नज़र में। एक तो वो आपको हर फन मौला समझते हैं, हर फन मौला वो होता है कि जो हर काम कर लेता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने आपको कोई रेसिपी बताई है कि ये बन सकता है आज घर में खाना, तो आपको, आप चाहे यूट्यूब पे कोई रेसिपी देखो, जो भी आप कुछ कर करा के ना कुछ जुगाड़ लगा लोगे, उनको पता होता है कि आप कर लोगे। तो बाकी है गाइस, ये हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, ठीक है? तो बाकी है कि इनको आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें आपको, आपके बाजू उनको बड़े पसंद आएंगे, ठीक है? बाजू, फोर आर्म्स और शोल्डर्स पोर्शन, अपर चेस्ट पोर्शन, आपके बाल, और ही इज़ लिटरली क्रेजी फॉर योर अपर पोर्शन बॉडी का ना, तो नेक पोर्शन। तो स्टे रेडी टू गेट अ लॉट ऑफ किसेस ओवर देयर। बाकी है कि ये उनके दिल में पता है कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो, ठीक है? एंड लव हु यू आर। बाकी है कि आप कभी भी बदले नहीं हो, आप सेल्फ लव करते हो, ये सब जेन्युइन चीज़ें हैं, ये आप दिखावा नहीं करते हो, कोई पागल नहीं होता, इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं होते लड़के, उनको पता होता है कौन लड़की ऊपर ऊपर से सिर्फ मुझे अट्रैक्ट करने के लिए सब हरकतें कर रही है, मेरा दिल जीतने के लिए, यहाँ की कोई है ही ऐसी, ठीक है ना? बहुत फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, पता लग जाता है, आराम से पता लग जाता है। फॉर वट ही इज़ फॉलिंग कंपैशन, वाओ, जजमेंट पास नहीं करते आप, ठीक है? चुगली नहीं करते हो, यू आर रियली अ हीलर, कंपैशनेट हो बहुत ज़्यादा, गॉडेस येन है यहाँ पर। आप हमेशा उनको ना एक लव एंड लाइट दिखाई है हर एक के में, ठीक है? सेक्रेट स्पेस, वाओ गाइस, आपका एक डिवाइन से कनेक्शन है, सोर्स से, यू डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, राइट? वो बड़े इम्प्रेस हैं आपके स्पिरिचुअल पावर्स से, वाओ, बोल्ड, काफ़ी बोल्ड हो आप, नॉट रियली कि आप सिर्फ रिलीजियस ही हो, ट्रेडिशनल ही हो, और लाइक यू आर ऑलवेज कवर्ड अप, ये इस तरह नहीं है। अपने बेडरूम में व्हेन यू आर विद हिम, तो यू बिकम सडनली आप अपना रूप बदल लेते हो, लाइक एकदम से आपकी बोल्ड साइड निकल के आती है, एडवेंचरस साइड। और लव मेकिंग में भी यू लाइक के डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि यहाँ पर मैसेज है कि टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, मतलब डेयरिंग हो, लव मेकिंग में भी यू कैन टेक लीड, तो उनको बड़ा इन्जॉय होता है आपके साथ, ही इज़ वेरी लिटरली इन्जॉइंग दिस मोमेंट्स। आर्टिस्टिक हो, आपके हाथ में, आपके खाने के मतलब कुकिंग में आपके बहुत आर्ट है, मतलब खाने में बहुत टेस्ट आता है आपके,
पसंद है उनको, अनकंडीशनल लव देते हो आप उनको, ठीक है। इसके अलावा आप सेल्फ़ लव भी करते हो, आपके खुद के लुक्स और इनर सेल्फ भी हील और क्लेंज होता है, क्लीन होता है, और आप दूसरों को भी यही देते हो। लीप ऑफ फेथ, आपका डिवाइन पे पक्का बिलीफ है, ये चीज़ आपको और ब्यूटीफुल करती है, अट्रैक्टिव बनाती है। बाउंड्रीज, अब हर एक के साथ फ्री नहीं होते हो, हर लड़के के साथ, हर लड़की के साथ फ्री नहीं होते हो, आपका बहुत लिमिटेड सर्कल है। ट्रू लव, ट्रू लवर हो आप और काफ़ी रोमांटिक हो। वाह, योर कंप्लीट होल पैकेज पाइल नंबर वन, कंप्लीट होल पैकेज। सो लव मैसेज देख लें उनकी तरफ से। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। योर सेक्सी लिप्स अट्रैक्ट मी, मैंने बोला था ना आपको, क्या आपके लिप्स पे ये बड़ा ना इंसान मरता है। आई मिस योर नेक किस, नेक किस भी रियली बोल्ड थिंग हियर। ट्विन फ्लेम रीयूनियंस, तुम रात को मेरे ख्वाब में आई थी। कम लेट्स कदल, ये उनकी फेवरेट चीज़ है करने को। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ओके, किसी एक के लिए मैसेज है। यू आर माई ओनली वन, तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू फरेड। आई वॉन्ट टू किस, या तुमको किस करना चाहता हूँ। माई गर्ल, यू आर सो स्पेशल फॉर मी, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आई लव यू इन टाइट ड्रेस, ओके। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, लव यू अनकंडीशनली। आई लव्ड यू बिफोर इवन टचिंग, वाओ, डबल वन डबल वन, दिस इज डिवाइन यूनियन, एंजल नंबर, मैनिफेस्टेशंस एंजल नंबर। जब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आए, हमेशा से अपने आप को उस आइडियल सिचुएशन में इमेजिन करो जो आप चाहते हो कि वो हो चुकी है, और फिर उसके बाद बोलो इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, ठीक है। और ख़ुशी महसूस करो और वो वाला इमोशंस फील करो कि जैसा सच में अगर वो चीज़ हो जाए तो जो आपके इमोशंस होंगे, वो ख़ुशी के आंसू, गूज बम्स, ये सब किया करो जब भी आपको ये नज़र आए, ये वाला एंजल नंबर, ठीक है। बहुत प्रेशियस ये टाइम होता है। कैन यू गो फॉर कॉफ़ी, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव योर स्माइल एंड तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ओके लव्स, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, आई लव यू। हेलो लव पाइल नंबर टू, ये वाले हैं आपके जोडिक साइन। किस लिए आपके पर्सन आप पे मरते हैं, किस लिए वो आप पे के लिए कर रेजी हैं, पाइल नंबर टू लवर्स, ओके, लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड साइप्रिस्टस। इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पाइल नंबर टू का। गाइस, आप एक ऐसी पर्सन हो कि जो इनको ना सेटिस्फाई रखती है, जिसके लिए आपके पास पागल है, पीछे पागल है, ठीक है, क्रेजी है। मतलब लवर्स कार्ड के साथ दिस इज़ इक्वल इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। और आपसे जो उनको मेंटल सुकून मिलता है, जो आपसे उनको मिलेगा
ذہنی سکون کہہ لیں آپ کہہ لو، مینٹل پیس، مطلب اٹس ناٹ آل اباؤٹ فزیکل ریلیشن شپ وتھ یو، پائل نمبر ون، پائل نمبر ٹو، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ صرف فزیکل لیول تک ہی نہیں ہے، ان کو آپ سے مینٹل سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے جو ہر پارٹنر کو اپنے پارٹنر سے نہیں مل سکتی، رائٹ؟ سیکنڈلی آئی کین سی ود دا کوئن آف سورڈز، آپ نا آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو، آپ کو گھما پھرا کر آگے پیچھے چیزیں کر کرا کے یہ سب یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پسند ہی نہیں، آپ کو یہ کام آتا ہی نہیں ہے، نہ آپ کو گھر میں کسی نے سکھایا ہے یہ کام، نہ آپ نے بچپن سے کبھی کیا، آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو، مطلب جو دل میں بات ہے وہی سامنے کرو گے، جو سامنے بات ہے وہی آپ کے دل میں ہوگی، یہ انسان آپ کی اس بات سے بہت زیادہ امپریس ہے۔ دوسرا کہ ہائی پرسٹس، چائلڈش نہیں ہو آپ، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی وقت ہوتا ہے انسان کا مذاق کا موڈ ہوتا ہے، سم پیپل آر ویسے بھی جولی نیچر کے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو ہارڈ یہاں پر کافی ریئل فیصلے لینے ہیں زندگی کے، وہاں پر یو آر دیئر۔ کوئن آف پینٹیکلس، نائٹ آف پینٹیکلس، گائز آپ نے کافی گرو کیا ہے اپنے فائنینسز میں، جب بھی آپ کو ملیں گے نا پرسن، یہ جب کی انرجی ہے یا جب جو بھی سسٹم ہے، مطلب آپ نے اپنے فائنینشیل فیلڈ میں کافی گرو کیا ہے، پہلے آپ اتنے نہیں تھے فائنینشلی ویل آف، جب آپ کو ملو گے یو بی کوئن آف پینٹیکلز، لائک آپ کا کیریئر کافی حد تک اسٹیبل ہوگا، دس از اے پلس پوائنٹ۔ بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ مٹیریلزم میں چلا گیا ہے، یہ تو میرے پیچھے میرے پیسے کے پیچھے، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ دیکھو یہ سینچری جو ہے، ٹھیک ہے نا، 21st، یہ وہ، یہ سینچری میں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، پیسہ ایک بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پلس، بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اگر آپ کا کریئر اسٹیبل ہے آپ کے پارٹنر کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں اس نے پیسے مانگنے ہیں، بٹ بس ہی ول فیل سیکیور، ویسے ہی گڈ فار نتھنگ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگا۔ سو فائیو آف پینٹیکلز ریورس، نائن آف کپس، گائز آپ کی شہانہ عادتیں انسان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو ڈرنک اسپیسیفک پینی ہے، آپ کو کھانا بھی اسپیشل کھانا ہے کبھی کبھی، ناٹ آلویز، مطلب آپ اتنی زیادہ سادی نہیں ہو، بہت زیادہ سمپل نہیں ہو، آپ کو تیار رہنا پسند ہے، ابھی کی انرجی نہیں ہے، شادی کے بعد کی انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ ابھی سمپل رہتے ہو ڈزنٹ مین اٹ کہ شادی کے بعد بھی رہو گے، آپ کا چیزیں بدل جائیں گی، پرائیورٹیز بدل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ تیار رہتے ہو، آپ بہت ہی اپنا جتنا بھی آپ کا بیسٹ ورژن نکل سکتا ہے لک کا آپ نکالتے ہو، ٹھیک ہے؟ آئی نو اٹس ناٹ آل اباؤٹ لکس آلویز، لیکن میں آپ کی انرجی بتا رہی ہوں کہ ہر انسان کا ایک بیسٹ ورژن ہوتا ہے اور ہمیں ایٹ لیسٹ وہاں تک تو جانا ہی چاہیے، اپنے لکس کو لے کے، اپنی ہیلتھ کو لے کے، کیریئر کو لے کے، اور کون چیز ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ، ان سب چیزوں کو اپنی آپٹیمل لیول، مطلب ہائیسٹ لیول، میکسیمم لیول پہ پہنچانا چاہیے، تب جا کے وہ بیسٹ ورژن بنتے ہو اپنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سست لوگوں کے باتیں ہیں، آلسی لوگوں کے، جنہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جن کو پتہ ہے کہ پیر گندے ہو رہے ہیں اور پیر انہیں نہیں دھونے کے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اوائڈ دیس تھنگز، آپ کو بڑا نقصان ہوگا ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا۔ اوکے، سن انرجی، ڈیتھ انرجی، گائز باقی ہے کہ ان کو اٹریکشن آپ میں یہ ہے کہ آپ یو جسٹ لائک اے سن، ٹھیک ہے؟ ان کی لائف میں بھی کافی اندھیرا تھا آپ سے ملنے سے پہلے،
तो आप लोगों को काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में लेके आया और स्पिरिचुअलिटी में घुसाया है इनको, और इनको काफ़ी हद तक ये समझाया है कि इट्स ऑल राइट, अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई है लाइफ में, और भी चीज़ें हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ व्हाट, सरप्राइजेस, यू नेवर नो आपके पास कल क्या आएगा, ठीक है। बहुत हाई अनप्रडिक्टेबल होती है लाइफ। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, गाइस देखो, माय गॉड, दिस इज ट्विन फ्लेम, लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, या एटलीस्ट हाई लेवल सोलमेट। गाइस सोलमेट जैसी वाइब आती है, उनको आप में एक अच्छा साथी, एक ऐसा साथी जो हमेशा आपके लिए बना था, आप उनके लिए बने थे, तो इस किस्म की वाइब है। दिस इज़ नॉट अ जोक, हाँ, इक्वल गिव एंड टेक है। जितना मोहब्बत वो आपसे चाहते हैं उतना उनको आपसे मिलता है। सेकंडली आई एम सीइंग बॉडी अट्रैक्शन, बॉडी अट्रैक्शन आपका और ग्लास फिगर है, या जैसा भी फिगर है, इस इंसान को इज़ लिटरली एडिक्टेड फॉर योर बॉडी, ठीक है। आपके बॉडी के लिए बंदा एडिक्ट होगा, स्पेशली मैं इधर हिप्स पोर्शन देख रही हूँ, यहाँ पे कमर देख रही हूँ, शोल्डर्स, आपकी चेस्ट पोर्शन, इसके अलावा आपके शोल्डर्स, बाल, हाथ, हाथ और पाँव के लिए तो आई विल से ही इज़ गोना वर्शिप। आपके हाथ और पाँव के पीछे तो बस ये मरता है, बस हाथ पकड़ के बैठे हैं, पाँव हैं, पाँव पकड़ के किस कर सकते हैं, विल बी लिटरली डाइंग फॉर योर फीट। मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई मैं पहले फीट की एग्जांपल भी दी है पीछे कि पाँव धोने की, तो जस्ट टेक दिस थिंग वेरी सीरियस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ज़रा पाँव शो बना संभाल के रखे, हो सकता है आपके पर्सन फीट वर्शिपर हो, नॉट रियली वर्शिपर, बट उनको पसंद बहुत आए आपके पाँव शाओ, तो बी द बेस्ट वर्जन, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रही, अभी मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में वो आप लोगों ने शुरू करना है कि जी अगर ये ना हुआ तो फिर क्या हो जाएगा फलाना क्या। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने, क्यों, क्योंकि बेस्ट वर्जन वालों को ही उनका सोलमेट मिलता है, ठीक है। ये मैं 100% श्योरिटी से कह रही हूँ, वरना आपको आपका सोलमेट नहीं मिलेगा, फिर वही लड़ाई झगड़े हर जगह जो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, उनमें से कोई भी बेस्ट वर्जन, हम अपने ऊपर काम करते नहीं हैं, हम दूसरों पर काम करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या करना है अभी, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में क्या मसला है, हमारी हेल्थ में क्या मसला चल रहा है। हमें ये होता है वो फलाने की ज़िंदगी है ना, वो फलाना फला ये कर रहा है, कुछ ना हो तो हम ड्रामा को डिस्कस शुरू कर देते हैं अभी, वो फलानी बहू ने ये किया, वो फलानी सास ने ये कर दिया। ये नहीं पता बेटा अपनी, आपके बहू सास भी अपनी अपनी जब बहू बनोगी फिर क्या करना है। वक्त जाए फजूल चीज़ों में मत किया करो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यू आर अ हीलर, उनके टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ना है, ये जादू सिर्फ आपको आता है, इसलिए बंदा क्रेजी है आपके पीछे, और किस लिए क्रेजी है। गाइस उनके छोटे से छोटे तोहफे से लेकर बड़े से बड़े तोहफे को आपने हमेशा इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। आप कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं हुए कि मुझे हीरे की अंगूठी मिलेगी तो मैं खुश होंगी, नहीं, वो एक सिंपल गजरा भी आपके लिए लेके आए हैं ना तो भी आप इक्वल ही खुश होंगे, क्योंकि यू आर ग्रेटफुल। आपको बहुत अच्छी माँ ने सीख दी है, उनके आपको तरबियत की है आपकी, ठीक है। तो काफ़ी अबंडेंट माइंडसेट है आपका, आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है, तो वेरी इंप्रेसिव फॉर हिम। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, बात दोबारा गिफ्ट्स की आई, आई थिंक आपके पर्सन को गिफ्ट देने की आदत होगी आपको, तो इनकी लव लैंग्वेज भी हो सकती है कि वापसी पे आते आते आपके लिए कुछ लेते आया करें, चाहे थोड़ी सी आइसक्रीम हो, एनी पेयर ऑफ ज्वेलरी, एनी नाइटी, तो ये सब चीज़ें आप गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट द नीड्स फॉर लव। गाइस आपको ना उनकी ज़रूरत का बहुत एहसास रहता है, इवन इफ़ ही इज़ नीडी ऑन बेड, स्पेशली अबाउट दैट आप बहुत ख्याल रखते हो कि इफ़ ही इज़ नीडी ही मस्ट बी फुलफिल्ड।
मैं जान के कोई ऐसा बहाना ना लगाऊं। अक्सर होते हैं लोग, वो जान के लड़के भी करते हैं लड़कियां भी, कि अगर अगला नीड में है तो उसका फ़ायदा उठाओ और उसका मूड ख़राब करो, जान के कोई लड़ाई झगड़ा डालो। ठीक है, तो ये एडवांटेज इस किस्म की हरकतें नहीं करते आप। हार्ट ऑफ द मैटर गाइस, ये इंसान काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है आप में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में एनर्जी है कि जितना आपको नज़र आ रहा है ना कि इंसान आपके ऊपर मरता है, उससे कई गुना ज़्यादा काम ख़राब है। ठीक है, मतलब ये इंसान उससे कई गुना ज़्यादा आपसे प्यार करता है, कई गुना ज़्यादा मरता है। आई थिंक जितना ये करता है उतना ये आपको शो नहीं करता। ठीक है, तो शो क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि मतलब इतना शोबाज नहीं है ना ये, इतना ज़्यादा वो नहीं करने वाला, बोलने वाला नहीं है, साइलेंट है, लेकिन इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको प्यारे प्यारे लविंग वर्ड्स से बुलाएंगे, इनको पसंद है। फॉर एग्जांपल हनी, लव, जान, सोना, एनीथिंग, कुछ भी। रोमांस, रोमांटिक है वो आप भी और ये भी, आपकी दोनों की ज़िंदगी में लव एंड रोमांस काफ़ी ज़्यादा होगा, और आप लोग दोनों फ्यूचर प्लानर हो। आप लोग देखना फ्यूचर के लिए इतना जोड़ के रखेंगे अपने बुढ़ापे के लिए, कि आप लोगों का बुढ़ापा भी काफ़ी लग्जरी होने वाला है। दिस पर्सन इज़ योर इक्वल सपोर्टर। ठीक है, मतलब पैसे में, जोड़ने में, इन्वेस्टमेंट्स में इक्वल सपोर्टर, और काफ़ी ऑथेंटिक हो आप, काफ़ी ऑनेस्ट हो। ये सब चीज़ें हैं पायल नंबर 2 की। और आपकी किस चीज़ के लिए ये इंसान क्रेज़ी है? मेडिसिन वुमन, आपसे बात करके ना उनको ऐसे लगता है उन्होंने उनको कोई दवाई मिल गई है, उनको उनको उनके दर्दों का इलाज मिल गया, उनको उनकी पेन्स हील हुई हैं। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। पता नहीं क्यों आपके अंदर से हीलिंग रेडिएशंस रेडिएट करती हैं, उनको ऐसे लगता है। बॉडीज ऑफ वाटर गाइज, आई थिंक आप में से कोई लड़की है जो जिसको स्विमिंग बहुत पसंद है, या स्विमिंग आपको आती है। ठीक है, तो आई कैन सी कि आप दोनों इकट्ठे स्विमिंग पर जा सकते हो, उनको बहुत पसंद है इस तनाव के साथ वक्त बिताना। या अगर नहीं भी स्विमिंग आती, इट्स ऑल राइट, बीच पे जाना, लेक पे जाना, रिवर, ओशन, एनीथिंग, आप लोग काफ़ी वहाँ समय बिताया करोगे। ओके, लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर। एक और थिंग पाइल नंबर 2, इन पर्सन की आपके ज़िंदगी में आने के बाद, फॉर्मली शादी के बाद, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लगेगा एज इफ यू नो माँ लक्ष्मी, इट्स ऑल अबाउट ब्राइट फ्यूचर, मनी, अबंडेंस, राइट? तो ये काफ़ी हद तक आई एम सी हेयर कि इंसान आप अपने साथ अबंडेंस लेके आएगी, लेके आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपकी किस्मत खुलने वाली है इनके साथ। माँ काली है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। गाइस, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपना पुराना पर्सन छोड़ना पड़ेगा, उसकी यादों से निकलना पड़ेगा, उसको मेंटली तौर पर 110% छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। फोकस्ड इंटेंशन, काफ़ी हद तक फोकस्ड हो आप। ठीक है, और टारगेट पे रहते हैं आप। मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मेरेकल। वाह, पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में एक मेरेकल होने वाला है, एंड दिस इज़ अ बिग मेरेकल। ये मेरेकल एक बेबी भी हो सकता है, बेबी की शक्ल में, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आफ्टर मैरिज। आई थिंक यहाँ पर कोई लड़की है, ब्लैक कलर के आपने कपड़े पहने हैं, एंड यू वॉन्ट, ब्लैक या ब्राउन कलर भी हो सकता है, यू वॉन्ट
टू कंसीव। प्लीज आई एम गिविंग यू प्रोफेसी। वैसे आई डोंट गिव प्रोफेसी, लेकिन आई एम गिविंग यू प्रोफेसी माई डियर। द कमिंग मार्च यू विल गेट अ गुड न्यूज। ओके, दिस वॉज हाईली एनर्जेटिक प्रोफेसी फॉर समबडी। आपको पता है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको समझ लग गई है, बेबी न्यूज थी ये। खैर, लीप ऑफ फेथ, आप फेथ रखें, ठीक है, डिवाइन पर, और कूद जाएं ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आगे निकलें, क्योंकि इस पाइल में कुछ लोग हैं पास्ट में स्टक हैं। डोंट डू दैट माय डियर, डोंट डू दैट। ओके, लव मैसेज है आपके। आई एम सॉरी, आई मुझे थोड़ा सा एक दो मिनट लगे हैं बाहर रिकवर होने के लिए, बिकॉज द एनर्जी वॉज वेरी हैवी हियर, जिसको मैंने अभी प्रोफेसी दिया है बच्चे का, और मैं थोड़ा सा सर्च करा रहा है, एक सेकेंड। एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती हैं, रिकवर होना मुश्किल होता है थोड़ा। अच्छा चले, लेट्स सी लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, मैंने बोला नहीं पर्सन, हाथ पाँव पे बहुत डुलता है। कैन वी स्टार्ट ऑल ओवर, क्या हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं सब कुछ? चलो जी, लेट्स स्लीप टुगेदर। वॉन्ट टू डू नॉटी स्टफ विद यू, हरकतें देखो इनकी आप। लेट्स मैरी, आई मिस योर नेक किस, वाना टच योर बैक। बड़ी नोटी है भैया, तुम्हारी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई वॉन्ट आवर ओन होम, ओके, स्लीपलेस नाइट्स, कम लेट्स कदल, वाई डू आई मिस यू, रेड ड्रेस इज लव, रेड ड्रेस बहुत अच्छा लगता है इनको आप पे, आई नीड यू, आई वॉन्ट टू किस या, यू वर इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, तुम वाई आर यू वर इट, कुछ और मैसेज देंगे। आई एम सॉरी फॉर एवरी थिंग, आई एम ऑनेस्ट विद यू, आई लव्ड यू इवन बिफोर टचिंग, बेब दिस इज ट्रू लव। एंड फाइनल मैसेज है, वी डू हैव अ सोल कनेक्शन। ओके लव, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, तो नेवर मिस अपकमिंग रीडिंग। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।